गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से आज आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक। उसका नाम है सर्वनाम। देखो बच्चों, सर्वनाम आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, आज भी और अपन अलग और पढ़ते हैं। देखो परिभाषा सर्वनाम की। देखो बच्चों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द जैसे कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, वह, आप, यह, वह आदि। ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त मतलब आने वाले, प्रयुक्त मतलब उसकी जगह आने वाले, मतलब प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन साधारण भाषा में लेना चाहें तो कह सकते हैं संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम के भेद या प्रकार। देखो बच्चों सर्वनाम के भेद छह प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? छह भेद होते हैं। देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक नंबर का अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए करता है, श्रोता सुनने वाले के लिए करता है, और अन्य के लिए करता है, अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप और तुम। कौन कौन से हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम में? मैं, हम, आप और तुम। देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखो बच्चों, कौन सा? एक नंबर का अपना है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष देखो, वक्ता द्वारा अपने लिए किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग को उत्तम पुरुष कहते हैं। देखो बच्चों, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। उत्तम पुरुष में देखो, वक्ता मतलब बोलने वाले द्वारा अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्द जो प्रयोग करता है अपने लिए, उसे क्या कहते हैं अपन? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे देखो, मैं, हम, मेरा, हमारा। उदाहरण देखो, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। कौन खेलने नहीं जाएगा? मैं। तो मैं यहाँ पे क्या है? उत्तम पुरुष मतलब स्वयं। देखो बच्चों, अगला है हम कल सिनेमा देखने नहीं जाएंगे। हम कल सिनेमा देखने गए, तो यहाँ पे हम क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक? उत्तम पुरुष। कल, हम कल सिनेमा देखने गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? हम। यहाँ पे हम क्या हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों, अगला अपना मध्यम पुरुष। देखो बच्चों, सेकंड पे है मध्यम पुरुष। वक्ता मतलब बोलने वाले द्वारा, सुनने वाला श्रोता, सुनने वाला मतलब श्रोता, एवं पाठक के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, किए जाने वाले शब्द सार्वनामिक या सर्वनाम शब्दों की, शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। देखो तो अपन साधारण भाषा में लेना चाहें तो मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा सुनने वाले एवं पाठक के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें किस क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष में कहते हैं। जैसे वक्ता द्वारा सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे अपने? वो मध्यम पुरुष। जैसे मध्यम पुरुष में कौन कौन से वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं? तुम, आप आदि। कौन कौन से आते हैं मध्यम पुरुष में? तू, तुम और आप। कौन से में आते हैं? मध्यम पुरुष में। देखो बच्चों, एग्जांपल, आप मेरे साथ बाजार चलेंगे,
कौन चलेंगे आप? आप चलेंगे मेरे साथ। वक्ता बोल रहा है श्रोता को, किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, दूसरे को श्रोता सुनने वाले को बोल कि आप मेरे साथ चलेंगे। यहाँ पे दो ही व्यक्ति हो गए कि आप मेरे साथ चलेंगे, तो इसमें क्या हो गया? आप मध्यम पुरुष। फिर अपना तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? मध्यम पुरुष। ठीक है बच्चों, अगला अपना टॉपिक है अन्य पुरुष। देखो बच्चों, अन्य पुरुष वक्ता द्वारा जिसके विषय में कुछ बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम, किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। देखो बच्चों, अपन साधारण सी भाषा में लेना चाहे तो बताएं कि वक्ता मतलब बोलने वाले के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष होगा। जैसे एग्जाम्पल है वह, उसका और वे, ये क्या हो गए? अन्य पुरुष। जैसे उदाहरण देखो, क्या आप उसे भूल चुके हैं? क्या आप उसे भूल सके? उसे किसे? यहाँ पे उसे क्या हो गया? किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए कि आप, क्या आप उसे तीसरे व्यक्ति को भूल सके हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अन्य पुरुष। आप अगला अपना, वे अभी 10 मिनट में आते ही होंगे या आते होंगे। वे अभी 10 मिनट में आते होंगे मतलब वक्ता श्रोता को कह रहा है मतलब सुनने वाले को कह रहा है कि वे मतलब तीसरा व्यक्ति यहाँ आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? अन्य पुरुष मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए। ठीक है बच्चों, अगला अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, निश्चयवाचक आपको वर्ड्स मतलब शब्द से ही मालूम पड़ गया होगा, निश्चयवाचक निश्चितता का अर्थ बताए। देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक पास या दूर के प्राणियों वस्तुओं आदि के बारे में बताते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? उदाहरण देखो, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, यह नहीं वह है कि तुम्हारी पुस्तक, कि यह पुस्तक आपकी नहीं वह है, यह पुस्तक आपकी नहीं है वो आपकी पुस्तक है, मतलब आपकी पुस्तक यह नहीं है वो है। तो यहाँ पे यह है और वह क्या है? निश्चितता बता रहे, मतलब निश्चय है कि आपकी यह पुस्तक नहीं है वह पुस्तक है। तो यहाँ पे निश्चय हो गई कि आपकी पुस्तक कौन सी है? वह आपकी पुस्तक है। फिर अगला अपने पास, उसके पास 4 कारें हैं वे सब विदेशी हैं। कि उसके पास निश्चित है कि कितने कारें हैं? 4 कारें हैं, वो भी कौन सी हैं? विदेशी कारें हैं। तो यहाँ पे निश्चित हो गई कि उसके पास जो 4 कारें हैं वो क्या हैं? विदेशी हैं। तो यहाँ पे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अगला अपना 3 नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसी का विपरीत, निश्चयवाचक का विपरीत, यहाँ पे निश्चय नहीं हो। देखो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से पता नहीं चल पाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कहलाते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से पता नहीं चल पाए उन्हें क्या कहेंगे अपन? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चों देखो उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया, दूध में क्या गिर गया? कुछ गिर गया, लेकिन हमें पता नहीं है दूध में कुछ तो गिरा है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि क्या गिरा है, कि कंकड़ गिरा है, मच्छर गिरा है, क्या गिरा है, मिट्टी गिर गई, लेकिन कुछ गिरा है दूध में। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चय है, तो अनिश्चय के लिए कौन सा वर्ड हो गया? कुछ। जैसे बच्चों अगला अपना, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है? कोई खड़ा है, लेकिन हमें पता तो है कि बाहर, निश्चित है कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन कौन है? अनिश्चय है हमें कि कोई बाहर तो कोई खड़ा तो है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन है, कि पुरुष है, गधा है, भैंस है, गाय है, महिला है, आदमी है, लेकिन कुछ कोई तो खड़ा है या बाहर कोई है।
बाहर कोई तो है लेकिन अपने को पता नहीं कि बाहर कौन है, कि बाहर कौन है, अपने को पता है कि बाहर कोई तो है लेकिन पता नहीं कि बाहर कौन है, इसका अनिश्चित है हमें। ठीक है बच्चों, अगला अपना चैप्टर है संबंधवाचक सर्वनाम। चार नंबर पे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, इसमें देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। यहाँ पे जैसा और वैसा क्या हो गई? संबंधवाचक। दोनों वाक्य में क्या कर रहे हैं? जैसा और वैसा, जैसा करोगे आप वैसा ही फल पाओगे। यहाँ पे जैसा और वैसा दोनों वाक्यों में क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। आप जैसा करोगे वैसा ही तो फल पाओगे, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं, जो मेहनत करता है वही सुखी रहता है। जो यहाँ पे बच्चों देखो, जो मेहनत करता है वही सुखी रहता है। जो मेहनत करेगा वही तो सुखी रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे जो और वही क्या हो गया? यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अपना अगला है पांच नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बारे में तो बच्चों आपने सभी सुना होगा। देखो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द प्रश्न मतलब क्वेश्चन का बोध कराए उन्हें क्या कहेंगे अपन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें अंत में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। देखो बच्चों, उदाहरण है, यह बल्ला किसका है? यह बल्ला, बल्ला मतलब खेलने वाला, क्रिकेट का बल्ला होता है ना वो बैट, जिसको अपन बैट बोलते हैं वो बल्ला। यह बल्ला किसका है? मतलब यह क्वेश्चन करा रहा है कि यह बल्ला किसका है, तो यह किसका है, क्वेश्चन वाच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अगला है अपना, चाचा जी के साथ कौन जाएगा? कि चाचा जी के साथ कौन जाएगा, कौन जाएगा, तो यहाँ पे कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक। जैसे अपन आम तौर पे लेते हैं, क्या, किसी, कौन आदि शब्द आए वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द में आते हैं। देखो जो अपना अगला है लास्ट है, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निजता का, अपने अपनापन का अर्थ करवाए, उसमें क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। देखो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनेपन, अपने बना मतलब स्वयं के बन, अपनापन, अपनत्व, इसका अर्थ होता है अपनत्व का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अर्थात अपनेपन का बोध कराए मतलब अपनत्व का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, उदाहरण अपना है, मैं मतलब मैं अपना काम खुद या स्वयं कर लूंगा, कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मतलब खुद मतलब अपनत्व, स्वयं कर लूँगा, या अपनापन हो गया खुद खुद यानी स्वयं, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे अगला है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपने हम अपना कार्य कैसा करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं क्या हो गया यहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम। चलो जो अगला अपना, वह अपने आप ही आ जाएगा। वह अपने आप ही क्या जाएगा? अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही। यहाँ पे क्या हो गया? आप ही, निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू बच्चों।